का रिकॉर्ड बनाता रहा है। 20 मार्च को जब बाजार बंद हुआ तब 10 ग्राम सोने के भाव 42,500 प्रति 24 कैरेट के करीब था और 19 मई को जब कमोडिटी मार्केट खुला तो 48,000 रुपए 24 कैरेट प्रति 10 ग्राम भाव आ गया था। और उसके बाद कोरोना की भयावहता और मार्केट की अस्थिरता के कारण सोना 24 कैरेट 56,500 प्रति 10 ग्राम के रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच गया। अब आम आदमी के लिए राहत की खबर ये है कि कोरोना वायरस पर वैक्सीन का सकारात्मक असर दिखने और अमेरिका में जो बाइडेन के प्रेसिडेंट बनने के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति का माहौल है। साथ ही कुछ दिनों में पहले बजट में केंद्र सरकार ने सोने व चांदी पर 2.5% कस्टम ड्यूटी भी करने की घोषणा कर ली। इसके साथ ही पिछले कुछ दिनों से सोने के भाव भी कम होते जा रहे हैं। अब उम्मीद की जा रही है कि आने वाले कुछ समय के लिए सोने में गिरावट दर्ज की जा रही है। एमडी ज्वेलर्स के डायरेक्टर आनंद नेहरा ने बताया है कि कमोडिटी मार्केट के जानकारों का कहना है कि गिरावट का ये दौर कभी भी यूटर्न ले सकता है क्योंकि अभी भी कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन कितना घातक है और इसका क्या असर है आने वाला समय ही बताएगा। साथ में अमेरिका और चीन के बीच व्यापारिक और सामरिक साझेदारी का असर भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। जैसे ये ट्रेंड चल रहा है कि काफी भाव के अंदर उतार चढ़ाव जो पहले स्थिति थी उससे काफी सुधार हुआ है। भाव दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं तो आज उम्मीद है कि भाव 1,000-2,000 रुपये यहाँ से और कम होंगे। जैसे आज का भाव है 45,900 तो आने वाले दिनों में हो सकता है कि ये 44,000-45,000 तक आ सके। सर आप अपने शोरूम पे किस तरह की ज्वेलरी बनाते हो? हमारे यहाँ 22 कैरेट हॉलमार्क ज्वेलरी बनती है। ये शोरूम BIS यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा मान्यता प्राप्त ये सर्टिफाइड शोरूम है। यहाँ पे जो भी ज्वेलरी आपको मिलेगी हॉलमार्किंग के साथ में मिलेगी। तो कहीं से भी आप सोना ले गहना ले तो उसके ऊपर 5 साल हॉलमार्क जरूर देखें। उसके अंदर सबसे पहले BIS का लोगो आएगा, उसके बाद में 9/6 लिखा आएगा, फिर 22K लिखा आएगा, फिर जिस हॉलमार्क सेंटर ने इसको अप्रूव किया है कि ये 22K ज्वेलरी है उसका लोगो आएगा और लास्ट में उस फर्म का नाम आएगा जिसने आपको ये ज्वेलरी दी है। जैसे हमारा है MD ज्वेलर्स तो लास्ट में MD जी उससे पहले हॉलमार्क जो सेंटर है उसका लोगो आएगा यानी 5 हॉलमार्क से देखते ही।